जम्मू कश्मीर यूटी में भी जो स्कूल जो है वो फिर से रीओपन करने का जो फैसला सरकार ने लिया है उसके लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। मुबारक मंडी हाई सेकेंडरी स्कूल जो स्कूल है जो लड़कियों का वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ की प्रिंसिपल है मैम, उनसे अनीता जोशी जी हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह के जो है अपने इंतज़ाम जो है वो कर रखे हैं, जो बच्चे क्लासेस अटेंड करने के लिए आएंगे किस तरह का वो पूरा इंतजाम उन्होंने करके रखा है। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है टेलीफोन चैनल में, तो ये बताइए जिस तरह से ये आज से रीओपन किए जा रहे हैं स्कूल, तो क्या कैटेगरी रखी है, किस तरह से ये सारा मैनेज किया जाएगा? हमने सारी एसओपी की गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो किया है। हमने पहले ही स्कूल को पूरी सफाई की है, सैनिटाइजेशन कराई है और बच्चों को हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो भी बच्चे आएंगे वो मास्क पहन के आएंगे और सैनिटाइजर्स भी लेके आएंगे। लेकिन स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमने भी बच्चों के लिए अपने भी मास्क रखे हैं, इनकेस बच्चे मास्क के बगैर आते हैं उनको हम मास्क भी प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद हमने सैनिटाइजर रखे हैं, हैंड वॉश रखे हैं बच्चों के लिए। अब बच्चे जो हैं 9 to 12 आएंगे स्कूल में, तो हमने एक रोस्टर बनाया है कि एक दिन एक क्लास आएगी। जैसे हमने मंडे को रखा है 12th साइंस और कॉमर्स के बच्चे आएंगे, ट्यूसडे को 11th साइंस और कॉमर्स के, वेडनेसडे को 12th आर्ट्स के बच्चे और थर्सडे को 11th आर्ट्स के बच्चे आएंगे। फ्राइडे को हमने 10th रखी है और सैटरडे को हमने 9th क्लास रखी है। तो अकॉर्डिंगली हमने टीचर्स के लिए भी रोस्टर बनाया है, टीचर्स भी वहाँ पे आएंगे। तो मेन पर्पज है डोर क्लीनिंग सेशंस का, हमने बच्चों के डोर क्लीनिंग सेशंस करवाने हैं। हमारी साइमल्टेनियसली ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, बच्चे वो भी अटेंड कर रहे हैं और बच्चों को अगर कोई डाउट होगा तो वो स्कूल में आएंगे। अभी जो बच्चों को जो पेरेंट्स को आपने फॉर्म भेजे हैं, क्या लगता है कि कितना रिस्पांस आया है उस चीज को? अभी आज तो हमारे पास कोई बच्चा आया नहीं है, फर्स्ट डे है। पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे, एक दूसरे से पूछ भी रहे होंगे क्योंकि इस वक्त तो कोरोना जो है थोड़ा बड़ा ही हुआ है, तो पेरेंट्स नेचुरली थोड़ा बहुत तो सोचेंगे। लेकिन जब उनको लगेगा कि अगर स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, सैनिटाइजेशन कराई है, बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चों को भेजेंगे जिनको डाउट्स क्लियर करने होंगे। मैं अभी हमने देखा है कि यहाँ पे भी अभी आप जो है पूरा सैनिटाइज करवा रहे हैं, क्लासेस क्लियर करवा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ ऐसा कोई जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जहाँ ऐसे कोई लोग हैं जो इस चीज़ को सैनिटाइज करवा रहे हैं स्कूलों को? नहीं, अभी तो हम अपने लेवल पे ही करवा रहे हैं, तो ठीक है जब हम उनसे अप्रोच करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो भी हमारी हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन मतलब स्टार्ट में तो हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना है, स्टार्ट में हमें खुद ही जो है वो इनिशिएटिव लेना है। जो प्रयास इस वक्त मुबारक मंडी हाई सेकेंडरी स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने लिया है कि सुबह से ही यहाँ पे आकर उन्होंने पूरी क्लासेस जितनी है वो वहाँ पे सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, उन्होंने मास्क जो है वो अपने पास रखे हैं, जिन बच्चों ने मास्क नहीं भी लगाए होंगे उनके लिए पूरी फैसिलिटी रखी हुई है। उसके बाद जो है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को राजी करते हैं भेजने के लिए, ये उन पर ही निर्भर करता है। श्याम सुंदर, टेक वन चैनल, जम्मू। ते आई पता लगा सानू के गवर्नमेंट जेड़ी आए ये स्कूल सारे खोला जे स्कूल कॉलेज, और इस चीज़ का बहुत सानू अफसोस है कि एक साइड पर गवर्नमेंट आखदी कि ये बीमारी जेड़ी बड़ी फैली दी है और ये स्कूल पता नहीं किस बेस उपर खोला दे, अगर इनकी इतनी अपनी आपनी इन्नी चिंता है, दिल्ली अगर इन्हें पार्लीमेंट लाई तो सारे देने टेस्ट किए हैं और स्कूल के बीच भी कम से कम जड़िया मैडम इनकी जो पढ़ाते जो इंचार्ज हैं इन्हें भी डॉक्टर लाइन के उपर इन्हें भी अगर कोई डैथ होंगी है उसी इंश्योरेंस दें पूरा, और स्कूल की कम से कम दो बारी नहीं तो एक बारी तो सैनिटाइज सवेरे शाम कर, और जिसके कन्ने कम से कम बच्चे नहीं है, बच्चे यतीम थोड़े बच्चे जो पेरेंट्स इन्हें बच्चे को नहीं पाऊंगन, अगर 1000 बच्चा स्कूल के बच्चे आया तो उनका क्या बने, नहीं इन्हें मैडम दिखा दे तो नहीं ये दिखा सारे कम से कम अगर करना कानून सारे लिए है, अगर VIP भी हो सकता पॉजिटिव तो मैडम नहीं हो सकती, चपड़ासी नहीं हो सकता, इसी कौन करा था सैनिटाइज, इसे स्कूल के बीच कोई नहीं है। देखिए एक कल ही ऑर्डर आया है जो हमने मीडिया के माध्यम से ही सुना है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा है कि स्कूलों को रीओपन किया जा रहा है, और ये बड़ा ही दुखद है कि अभी जैसे कि जम्मू में आप सब लोग जानते हैं और तमाम जम्मू वासी भी जानते हैं क्या सिचुएशन है, अभी COVID-19 इसमें पीक पे चल रहा है और हर जगह पैनिक सिचुएशन है, हॉस्पिटल में देखो वहां पे पैनिक सिचुएशन है और कहीं कहीं मोहल्लों में देखो वहां पे पैनिक सिचुएशन, इस बीच में ये गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि स्कूल को खोल दिया जा रहा है। और इसके ऊपर एक और आपको मैं आश्चर्य की बात होगी, ये आपको भी मालूम है कि यहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन है जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि पेरेंट्स लिखित में देंगे कि अंडरटेकिंग
जैसे कि एनओसी दे रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स को कि हमारे बच्चे आपके पास पढ़ेंगे, इसकी हम रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। गवर्नमेंट कहीं पे भी अपना दादी जो है उनकी रिस्पांसिबिलिटी है वो कहीं पे भी उसे पूरा नहीं करते दिख रही है। लगता बच्चे यहाँ पे अभी आज के दिन तो कोई आए नहीं, और हमें लगता है जो पेरेंट्स हैं वो समझदार हैं, इस जो कोविड की महामारी इस समय चल रही है इस दौरान बच्चे यहाँ पे एक भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने ऊपर से पल्ला झाड़ रही है और ये पेरेंट्स के ऊपर ही डाल रही है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। स्कूल में कोई ऐसी फैसिलिटी दिखने को नहीं मिल रही, गेट पे सैनिटरी स्प्रे नहीं है, मास्क उपलब्ध नहीं है, कई ऐसे कारण हैं कि अगर आप स्कूल में देखिए ड्यूरिंग जब कोविड 19 नहीं था, यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में डेस्क तक नहीं होते हैं, और आज ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कोविड के दौरान जो ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अच्छी पढ़ाई शिक्षा दी जाएगी। मुझे लगता है ये एक बार फिर धोखा कर रहे हैं उन पेरेंट्स के साथ, उन यंगस्टर बच्चों के साथ जिनका भविष्य है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा हादसा हो गया, क्या गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? मुझे नहीं लगता कि इन जो आर्डर जैसे निकाले हैं उनमें तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है स्कूल खोलने का, लेकिन इसका क्या रिस्पॉन्स आता है ये तो अभी मालूम नहीं है। लेकिन जैसे ही ये स्कूल खुले, आपको पता है काफ़ी देर से स्कूल बंद थे, और बींग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इन स्कूलों को सैनिटाइज कराएं। अगर बच्चे कम भी आएंगे लेकिन स्टाफ तो आएगा, स्टाफ की भी तो जिंदगी है, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो उसी अपने दायित्व को निभाते हुए हमने अपने वार्ड में जो कच्चीछोरी स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल वहाँ पर सैनिटाइज करवाया। नीचे ओरिएंटल अकेडमी है, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन हमने उसको भी सैनिटाइज करवाया। अभी मेरी टीम जो है वो पहाड़िया मला में है, जो गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल बिजार के साहबा, वो वहाँ पर जा रही है, उसके बाद ये सेंट्रल बेसिक स्कूल जाएगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी मेरे वॉलंटियर हैं वो भी जा रहे हैं साथ में, ये तो एक म्यूनसिपलिटी की टीम आई है, साथ में मेरे अपने वॉलंटियर भी जो है वो साथ साथ जा रहे हैं, उनकी निगरानी में से सारा जो सैनिटाइजेशन का जो कारोबार है इसको देख रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में। कौन सा स्कूल? ये छन्नी हाई सेकेंडरी। तो क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है 21 को स्कूल जो है लगने जा रहे हैं? हाँ, ऑर्डर तो पास हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो स्कूल तो लगा, लेकिन बच्चे बहुत कम आए, स्टाफ ऑलमोस्ट आया है हमारा, तो बाकी देखते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस हो ही रही हैं, देखते हैं अब स्कूल में भी लगेंगी, कुछ दिन के बाद लगेंगी अब क्लासेस। आज स्कूल लग गया? हाँ, आज स्कूल लग गया सर। ये बहुत दिनों बाद आज स्कूल खोले हैं, तो हम सुबह 8 बजे से स्कूल आए हुए हैं और बच्चे भी आ रहे हैं सुबह से थोड़े थोड़े, तो आज स्कूल खुल गया है और टीचर भी ऑलमोस्ट सारे आए हैं। बाकी अभी तक कितना बच्चा है यहाँ? अभी तक 3-4 आ गए हैं बच्चे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो क्या स्कूल खुलने चाहिए थे या नहीं? फिर अगर खुल जाते हैं तो किस तरह का सैनिटाइजर का मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत से बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चे आते हैं तो। हाँ, अगर बच्चे आते हैं तो।